तो वहीं मेरठ में वन विभाग की टीम का ऑपरेशन तेंदुआ जारी है। वन विभाग की टीम तेंदुए के पंजे के निशान के सहारे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। काली नदी के आसपास जिला वन अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात में भी वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग और कॉम्बिंग करेगी। जिला वन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि तेंदुए के पदचिन्ह और उनके पंजों के निशान मिले हैं। पेड़ों पर तेंदुए के पंजे के निशान पाए गए हैं। हापुड़ डिवीजन की टीम भी काली नदी के आसपास तेंदुए की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। उन्होंने बताया वन विभाग की दो टीमें कीर्ति पैलेस और नाले के आसपास कॉम्बिंग कर रही है। तो बता दें आपको कि वन विभाग का ऑपरेशन तेंदुआ फिलहाल जारी है। तेंदुए के कई निशान मिले हैं जिसके आधार पर तलाश की जा रही है। तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत फिलहाल मची हुई है। काली नदी के आसपास तेंदुए की तलाश की जा रही है। कीर्ति पैलेस इलाके में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ है। वन विभाग की दो टीमें कॉम्बिंग में जुटी हुई है। नहीं देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत है कि किसी टाइम पे दो तेंदुए यहाँ पे जो कैंटोनमेंट एरिया के हमारे यहाँ सेंटर है और यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है उसमें आए थे। एक तो पहले हम लोगों ने रेस्क्यू करके उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में भेज दिया था, बट दूसरा जो है वो थोड़ा सा लास्ट उस पूरे एरिया में लास्ट 3-4 मंथ से वो विचरण कर रहा है। और कई बार वीडियोस ऐसे हैं कि जो पहले भी बताया गया है कि पुराने वीडियोस को भी वापस से लोगों ने वायरल किया है। वैसे ये सीज़न थोड़ा ब्रीडिंग सीज़न होता है तो इसलिए एक या दो बार उसकी साइटिंग हुई है, पर पूरी कोशिश है वन विभाग की टीम और पूरा एक्सपर्ट टीम उसमें लगी हुई है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उसको एक तरीके से कैप्चर करके और उसका जो ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाए।